अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। जितने भी लोग वहाँ पे कतर में रह रहे हो या फिर जो लोग कतर से अपने घर आ चुके हो, तो सभी भाइयों को मेरे तरफ से कतर नेशनल डे के लिए सभी को मुबारकबाद, सभी को दोस्तों बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है वहाँ पे आज कतर नेशनल डे है, तो वहाँ आज जुमा का दिन है, तो जुमा सभी को जुमा मुबारक मैं कहता हूँ। तो सभी को पता है कि वहाँ आखिर वहाँ पे हॉलीडे है, बहुत सारे लोग घर पे होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे पैरेड देखने गए। दोस्तों पैरेड वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे आज इस पर मतलब सख्ती दिखाया गया, मतलब बहुत गाइडलाइंस लगाए गए, तो सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिली है, पर फिर भी दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे लोग गए भी हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ये है कि आज का जो कतर का इस महीने का जो अपडेट आया हुआ है, जो ग्रीन लिस्ट में कौन कौन से देश को इस बार शामिल किया गया है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा 17 देशों को शामिल किया गया है, जो बिल्कुल मतलब किसी भी झंझट के बिना वो कतर आ सकते हैं कभी भी और कभी भी जा सकते हैं। तो वो 17 देश कौन सा है, और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि वहाँ पे COVID-19 का भी ताज़ा हालात वहाँ पे अपडेट क्या है, ये सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन से 17 देशों को शामिल किया गया है जो कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं, उनमें से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देश उसमें शामिल है या नहीं है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, ले चलता हूँ अपने मोबाइल के मैं स्क्रीन पे, आपको मैं ऑनलाइन वेबसाइट को खोलकर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइज ये कोविड दोस्तों ये कतर का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो इसमें मैं ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ग्रीन लिस्ट कंट्री फॉर ट्रैवल, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे, आपको मैं नीचे चले जाता हूँ, तो नीचे दोस्तों आपको सारा लिस्ट दिख जाएगा जो वहाँ पे इस बार जो शामिल किया गया है वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है COVID-19 ग्रीन लिस्ट कंट्री, स्टेट ऑफ कतर हैज कटराइज फॉलोइंग कंट्री ग्रीन लिस्ट इफेक्टिव ऑन फ्राइडे 18 दिसंबर से। दोस्तों ये 18 दिसंबर यानी आज से ये लागू हो जाएगा। टू फैसिलिटेट पॉलिसी टू COVID-19 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पीपल अराइविंग द कतर फ्रॉम दिस कंट्री, मतलब ये सब देशों से आप कतर लोग आ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन कौन सा देश इसमें शामिल किया गया है। तो पहला दोस्तों ओमान के लोग दोस्तों कभी भी अब आ सकते हैं, इसको ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया। दूसरा है ब्रूनी दारुसलाम जो एशिया का ही है, थाईलैंड जो एशिया का ही है, चाइना जो ये भी दोस्तों एशिया का ही है। यदि दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा वहाँ पे जो COVID-19 का सेंटर जो बनाया गया है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे बलग में क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अगला है दोस्तों वियतनाम, अगला है मलेशिया, सातवां नंबर पर साउथ कोरिया है, आठवां नंबर पर सिंगापुर है, नौवां नंबर पर जापान है, दसवां म्यांमार, ग्यारहवां ऑस्ट्रेलिया है, बारहवां न्यूजीलैंड, फिर है मैक्सिको, क्यूबा, मॉरिशस, आइसलैंड और आयरलैंड। तो दोस्तों ये 17 देशों को शामिल किया गया है जो ग्रीन लिस्ट कंट्री में नए लिस्ट शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस बार भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ग्रीन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब दोस्तों सिर्फ ग्रीन लिस्ट का मतलब बात को समझ लीजिए आप, ग्रीन लिस्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अब COVID-19 का प्रभाव कम हो गया, इसलिए उसको ग्रीन लिस्ट बोला गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया मतलब क्या क्या है। तो साथियों यदि आप चलिए मैं आपको बताता हूँ कि COVID-19 की ताज़ा हालात क्या है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा मैं बैक कर देता हूँ, अब जैसे ही बैक जाओगे दोस्तों आपको सामने पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा। तो साथियों देख सकते हैं ये 17 तारीख का दोस्तों एक दिन का लेट बताता है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे टेस्टेड अभी तक वहाँ पे 11,85,304 लोगों का जाँच किया जा चुका है। 24 घंटे में 16,104 लोगों का जाँच हुआ है। पॉजिटिव केस दोस्तों 24 घंटा वहाँ पे आया है 140, और टोरेट में करंट एक्टिव केस वहाँ पे 2072 है। टोटल वहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ अभी तक 141,557 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 24 घंटा में एक भी लोगों की मौत नहीं हुई। टोटल वहाँ पे 242 लोग COVID-19 से मर चुके हैं। रिकवरी की संख्या 201 है 24 घंटा में, और टोटल रिकवर वहाँ पे अभी तक हो चुके हैं 139,243 लोग। नंबर ऑफ एडमिशन 24 घंटा में दोस्तों वहाँ पे एक्यूट हॉस्पिटल में जाने वाले 3 लोग हैं, सॉरी आईसीयू में, और टोटल वहाँ पे अभी तक आईसीयू में 21 लोग हैं। एडमिशन एक्यूट हॉस्पिटल में दोस्तों वहाँ पे 24 घंटा में 22 लोग हैं, टोटल वहाँ पे 218 लोग वहाँ पे हैं। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी COVID-19 की आज की। तो ये कुछ खबर थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।